अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं KBTV 121 और मैं आपकी होस्ट शाहिदा। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का सालन। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो शलजम, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्चें, अदरक लहसुन वाली, 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज और 5 हरी मिर्चें। सबसे पहले हम एक पतीली में ऑयल लेंगे, इसमें अब हम प्याज काटेंगे। प्याज हमने काट ली है, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। हरी मिर्चों को और टमाटर को भी हमने काट लिए है, अब हम इसमें ना हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि वो भी हल्की सी फ्राई हो जाए। हमने प्याजों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इससे सालन ब्लैक हो जाता है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी, एक साथ ही डाल देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे कि हल्दी जल ना जाए। अगर हल्दी जल जाए तो इसका कलर खराब हो जाता है, येलो कलर नहीं प्यारा आता। चले अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर से पहले पानी इसलिए डाल दिया था कि वो जल्दी से, टमाटर तो मेल्ट नहीं ना होगा और उतनी देर में हल्दी जल जाएगी। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, साथ साथ हम इसको हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे और भूनते रहेंगे ताकि मसाला यकजान हो जाए। ये हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे शलजम। शलजम को मैंने धो के टुकड़ों में काट लिए। देखा हल्दी का कितना खूबसूरत कलर आया है। मैं हमेशा हल्दी को पानी के साथ, टमाटर के साथ इस तरीके से डालती हूँ, इसका ओरिजिनल कलर कायम रहे। अब हम इसको 5-10 मिनट भूनेंगे अच्छे से, क्योंकि सालन को जितना ज़्यादा भुना जाए उतना ही वो अच्छा बनता है। शलजम हमारे भुन चुके हैं, इनको मैंने तकरीबन 15 मिनट भुना है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे कि ये शलजम अच्छे से पक जाए और जितना शोरबा हमें चाहिए होगा उतना हम रहने देंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये 15-20 मिनट और पक जाएंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगे। ये अली हैदर ये मेरे लिए धनिया तोड़ने जा रहा है, बाहर से काटने जा रहा है जो मैंने शलजम में डालनी है। चले अब हम धनिया के खेत में चलते। तेजी से अली हैदर काट दो। ये धनिया अली हैदर ने लगाया हुआ है, अली हैदर को खेती बाड़ी बहुत अच्छी लगती है। अली हैदर की गांव में ज़मीनें भी हैं, उधर भी अली हैदर ने सब्ज़ी लगानी करनी है। चले
चले हैं। अली अली हदर साहब, मेरा ख्याल है इतने बड़े हैं। नहीं दोस्तों, और ये तो बहुत होंगे। चलें अब हम अंदर चलते हैं वापस अपने सालन के पास। चलें, जो पानी हमने डाला था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और मुझे जितना शोरबा चाहिए था मैंने उतना रहने दिया है। अब सालन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करते हैं। चलें, सालन हमने डाल लिए बाउल में, बड़े बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। चलें, मज़ेदार सालन हमारा तैयार है। चलें, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।